नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चाणक्य के यूट्यूब चैनल में मैं अनमोल मित्तल आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक दोस्तों बड़ा मज़ेदार है। काफ़ी दिनों से मेरी वीडियो नहीं आई है, गला मेरा थोड़ा ख़राब था, तो आई एम फीलिंग वेरी वेल टुडे। और कोशिश करूंगा कि इस वीडियो का टॉपिक मैं आपको बड़े अच्छे से क्लियर कर सकूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मूविंग एवरेज एनवलप के बारे में। मूविंग एवरेज के बारे में काफ़ी लोगों ने सुना है, काफ़ी लोग जानते हैं, बहुत से लोग अपनी ट्रेडिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। वेरियस पीरियड की मूविंग एवरेज लगा करके एक सिस्टम तैयार करके काम करते हैं और बड़े अच्छे से काम करता है, क्लियर कट आपको डिसीजन देता है। लेकिन ये एनवलप क्या है, ये मूविंग एवरेज एनवलप हमें किस तरीके से एक अच्छे ट्रेड लेने में मदद कर सकता है, क्या हमें बेनिफिट है मूविंग एवरेज एनवलप का कि हम बाकी चीज़ यूज़ ना करके हम उसके ऊपर ध्यान दें, क्यों हम इसको इस्तेमाल करें, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम क्लियर करने की दोस्तों कोशिश करेंगे कि मूविंग एवरेज एनवलप है क्या और क्यों हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए अपनी ट्रेडिंग के अंदर। तो दोस्तों जानते हैं कि मूविंग एवरेज एनवलप है क्या और इसका कैलकुलेशन को और ये क्या कहता है इंडिकेटर, इसको समझने की थोड़ी सी करते हैं कोशिश। चलिए शुरू करते हैं भैया, क्या है ये मूविंग एवरेज एनवलप। देखिए जो बेसिक्स है इसका, मूविंग एवरेज एनवलप का ये कहता है कि मूविंग एवरेज आपको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशंस आपको मार्केट के अंदर देता है। ये जो लाइन हमें ये कहती है कि ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशंस हमें देगा, ये स्मूथली प्राइस के ट्रेंड को समझने की हमें एक नज़र में आप समझ पाओगे कि ट्रेंड किस तरफ चल रहा है, मार्केट किस तरफ चल रही है, जो आपको ट्रेड लेने में काफ़ी मददगार साबित होता है। बेसिकली दोस्तों होता क्या है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं अगर वो कैश मार्केट में काम कर रहे हैं तो उनके लिए इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन जो फ्यूचर मार्केट में काम कर रहे हैं उनका एक एक्सपायरी डेट होता है, उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो इस टाइम पे एक्सपायर हो जाएगा, और उसी मंथ में उसी टाइम पीरियड में आपको जो उनकी एक्सपायरी डेट है उसके अंडर अंडर में ही आपको अपना प्रॉफिट निकालना होता है। तो उनके लिए ट्रेंड को समझना बड़ा ज़रूरी है, एक क्लियर कट ट्रेंड पता होना चाहिए, ये कंफर्मेशन होनी चाहिए कि इतना बढ़ जाएगा तो ही वो सौदा ले सकते हैं, अदरवाइज़ फ्यूचर मार्केट में काम करना बड़ा हो जाता है मुश्किल, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इंडिकेटर टाइप दोस्तों ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, ट्रेंड को फॉलो करते हुए चलता है और अच्छे से काम तभी करेगा जब एक ट्रेंडिंग मार्केट चल रही होगी। ऑल कैश एंड फ्यूचर मार्केट में दोस्तों काम करता है अच्छे से, ऑप्शंस के लिए नहीं है। और फॉर्मूला दोस्तों इसका समझेंगे कि भाई इसकी कैलकुलेशन क्या है। कैलकुलेशन समझने से पहले हम देखेंगे ये दिखता कैसा है। ये देखिए दोस्तों, ये दोस्तों कुछ इस तरीके से दिखता है जिस तरीके से हमारा बॉलिंजर बैंड दिखता है। बॉलिंजर बैंड भी कुछ इस तरीके से ही दिखता है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर उसके अंदर, वैसे काफ़ी डिफरेंस है। इसका कैलकुलेशन कुछ और है, बॉलिंजर बैंड का कैलकुलेशन कुछ और है, लेकिन दिखने में ये दोनों थोड़े से सेम सेम ही लगते हैं। तो दोस्तों इसकी कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेशन ये है दोस्तों, अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये दोस्तों जो इसके बीच वाली ये लाइन आपको दिख रही है, ये जो बीच वाली लाइन है, ये दोनों लाइनों के बीच में जो बीच वाली लाइन जा रही है, ये जो लाइन है ये बनी है 50 पीरियड के सिंपल मूविंग एवरेज के क्लोजिंग पे, क्लोजिंग प्राइस पे सिंपल मूविंग एवरेज है 50 पीरियड की और कुछ भी नहीं है, ये जो लाइन आपको दिख रही है। ठीक है, अगर आप 50 कैंडल क्लोजिंग की ले लो और उस कोई एवरेज निकाल दो तो ये लाइन है यहाँ से पॉइंट पॉइंट बन के बनना शुरू हो जाएगी। दूसरा ये जो ऊपर वाला बैंड है जिसको हम कहते हैं अपर बैंड, और ये जो नीचे वाला बैंड है इसको कहते हैं हम लोअर बैंड। तो ये अपर बैंड और लोअर बैंड भैया किस हिसाब किताब से बन रहे हैं, तो बड़ा ही सिंपल है, इस मूविंग एवरेज का 5% प्लस कर दीजिए और इस मूविंग एवरेज का 5% डाउन कर दीजिए, तो ये दोनों आपके बैंड बन जाएंगे, 5% ऊपर अपर बैंड, 5% नीचे लोअर बैंड। भाई अपर बैंड का क्या फ़ायदा है, लोअर बैंड हमें क्या बताता है, अपर बैंड दोस्तों हमें बताता है ओवरबॉट इन अ ट्रेंड। भाई ट्रेंड के अंदर अगर एक मार्केट बढ़ रही है तो वो सीधा डायरेक्ट नहीं बढ़ती है, वो एक करेक्शन करती है, करेक्शन करने के बाद फिर लोगों के मन में अट्रैक्शन आता है, वो अट्रैक्शन ही दोबारा ऊपर लेके जाता है,
करेक्शन आएगा, अट्रैक्शन आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर करेक्शन आएगा, फिर अट्रैक्शन आएगा, फिर ऊपर जाएगा। मार्केट इस तरीके से काम करती है। तो बेसिकली ये ओवरबॉट पोजीशंस आपको बताएगा, अपर बैंड पे जाकर अगर प्राइस टिक गया है, उसके बाद हल्की सी करेक्शन कर रहा है, तो आप समझ जाइए यहाँ पर ओवरबॉट हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है या डाउन हो सकता है, दो रीज़न हो सकते हैं। तो ये आप आसानी से ओवरबॉट पोजीशन को समझ सकते हैं यहाँ पर। अब नीचे वाला जो लेवल है ये क्या बताता है दोस्तों, ये जो नीचे वाला जो लेवल है ये आपको बताता है ओवर सोल्ड इन अ ट्रेंड। ये जो 50 पीरियड वाली जो लाइन है, अगर यहाँ पर आके स्टॉक टिक जाता है, रुक जाता है, तो भैया ये आपको बता रहा है कि ओवर सोल्ड इन अ ट्रेंड, ट्रेंड के अंदर ओवर सोल्ड हो गया। अब इसको टच करके बीच वाली लाइन को ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर ये यहाँ पर नहीं रुकता है और यहाँ पर रुकने के अलावा नीचे वाले बैंड पे आके रुक जाता है, ये देखिए इस तरीके से, अगर इस बैंड पे आके रुकता है, लोअर बैंड पे आके रुकता है, तो आप समझ सकते हैं कि ट्रेंड यहाँ पर चेंज होने की संभावना है या करेक्शन करेगा। दोनों में से एक चीज़ हो सकती है, या तो वो यहाँ से आके ऊपर चले जाएगा, नहीं तो वो यहाँ से ऊपर जाके फिर वो नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों ये बड़ा सिंपल इंडिकेटर है, और चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं भैया किस तरीके से ये मार्केट के अंदर काम कर रहा है। ये तो हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है। चलिए दोस्तों, निफ्टी 50 का चार्ट लिया हुआ है सिंपल। इसमें हम लगाएंगे मूविंग एवरेज एनवलप। मूविंग एवरेज एनवलप इंडिकेटर आपको ऐप टेक्नीशियन डॉट कॉम पर मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके इसको देख सकते हैं। चलिए टॉप लेवल को हम कर देते हैं थोड़ा सा रेड, और बॉटम लेवल को कर देते हैं हम ग्रीन। देखिए बड़ा क्लासिकल एग्जांपल है, मार्केट यहाँ से डाउन हुई, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मार्केट रुकी और यहाँ पर आके डाउन हुई। डाउन होने के बाद मार्केट ने यहाँ पर कहीं पर सपोर्ट लिया। मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, जो लोग मोबाइल में देख रहे हैं उनको थोड़ी सी तकलीफ़ हो सकती है समझने में। ये देखिए मार्केट यहाँ से लेवल लेकर के, रेजिस्टेंस लेवल लेकर के यहाँ तक डाउन गई है, बॉटम तक आई है, और यहाँ से नीचे जाने में मार्केट को बड़ी तकलीफ़ हो रही है। और तकलीफ़ होने के बाद मार्केट ने फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, और इसके आसपास ही कहीं फिर मार्केट यहाँ से नीचे गई। यहाँ से नीचे आने के बाद बिल्कुल यहाँ पर सपोर्ट लिया, बहुत ही अच्छा यहाँ पर कैंडल ने सपोर्ट लिया, और इसके बाद मार्केट ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद देखिए मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पर, एक अच्छा रेजिस्टेंस मार्केट दे रही थी, और इसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा करेक्शन करा, बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं, फिर मार्केट ऊपर गई। अब इसके ऊपर आप काम कैसे करेंगे? बेसिकली दोस्तों आप काम इस तरीके से करेंगे, जब आपका 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाती है, तो आप एक दो कैंडल को छोड़ दीजिए, ग्रीन वाली एक ग्रीन कैंडल आपने छोड़ दी, दूसरी ग्रीन कैंडल छोड़ दी, और उसके बाद जब इसका हाई ब्रेक होता है, उसके बाद जब इसका हाई ब्रेक होता है, तो हाई ब्रेक होने के बाद आप इसको खरीद सकते हैं, स्टॉक को आप खरीद लीजिए। अब स्टॉक को आपने खरीद लिया तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? स्टॉप लॉस आप इस 50 लाइन के थोड़ा सा नीचे, यानी इस लेवल तक आप लगा सकते हैं। अब टारगेट क्या रखेंगे? देखिए पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि आप 5% ऊपर अपना टारगेट रख सकते हैं, जो इजिली मोस्ट ऑफ टाइम आपको मिल जाएगा, 5% ऊपर इस लाइन के, 5% ऊपर आपको इजिली मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने 830 8300 पे आपने खरीदा था, तो 8600 ही आपको कुछ दिनों के अंदर या 1 महीने के अंदर आपको मिल जाता है, या कुछ ही दिनों में आपको मिल जाता। तो एक तो तरीका ये है, नहीं तो आप ट्रेंड के साथ बने रह सकते हैं और ऊपर की तरफ भी एवरेज आउट कर सकते हैं। ये देखिए आपने यहाँ ख़रीदा, अब आप बने रह सकते हैं। अब आप इंतज़ार करिए कि स्टॉक का जो प्राइस है या मार्केट का जो प्राइस है वो इस लाइन के आसपास आए, इस लाइन के आसपास आ जाए। जब इस लाइन के आसपास आने के बाद फिर आपको दिखता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, तो आप इसको और ख़रीद लीजिए। अपने पैसों को डिवाइड करके रखिए, आपने पहले ख़रीदा, अब आप सेकंड टाइम भी इसको खरीद सकते हैं। अब आपने सेकंड टाइम भी खरीद लिया, फिर आप बने हुए हैं।
मार्केट ने देखिए फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने की कोशिश करी। अब आपको दिख रहा है कि वो सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, आप और खरीद लीजिए, फिर बने रहिए। ओके, फिर देखिए मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, जिसको कैंडल स्टिक की नॉलेज है तो यहाँ देखिए आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पर मार्केट के अंदर कन्फ्यूज़न चल रही थी और यहाँ पर ख़रीदने का पूरा चांस बन रहा है, तो आपने फिर यहाँ ख़रीदा। फिर यहाँ ख़रीदने के बाद देखिए मार्केट ने फिर ऊपर की तरफ गई, फिर देखिए मार्केट ने यहाँ पर पूरी कोशिश करी इस तोड़ने की, नीचे जाने की, लेकिन नहीं जा पाई, और फिर यहाँ पर ऊपर जाने की मार्केट ने कोशिश करी, फिर आपने ख़रीदा और अभी तक आप बाइंग पे बने हुए। देखिए यहाँ पर भी अभी भी एक अपॉर्चुनिटी बनी हुई है कि आप यहाँ पर खरीद सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा करके एटलीस्ट आप 10,700 तक का तो आप अपना टारगेट रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि खरीद लेना, मैं ये कह रहा हूँ वॉच करना, आप देखो कि मार्केट कर क्या रही है, मैं जो सोच रहा हूँ क्या वो इस हिसाब से काम करता है। अगर आप पहली बार ट्रेडिंग कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं, आपको नहीं पता कि मार्केट क्या करती है, तो आपको इस तरीके के ट्रेड देखने चाहिए कि मैंने जो सोचा क्या वो हो रहा है, क्या चीज़ें उस तरीके से काम कर रही है। जब आप कई बार ऐसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, 20, 25, 30 बार, 50 बार ऐसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो आपके अंदर आ जाएगा एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस। उसके बाद आप कितना भी पैसे को संभाल सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर। अदरवाइज़ हमने देखा नहीं जी कल ही पैसा लगाएंगे मार्केट के अंदर, तो वो चीज़ गलत है। अगर आप पहले से काम कर रहे हैं, आपको आता है तो आप करिए, नहीं आता है तो वॉच करिए कि क्या मैंने जो सोचा वो टारगेट अचीव हो रहा है या मेरा स्टॉप लॉस जा रहा है, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। देखिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर आप 10,000 पे एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और 10,700 का आप एक टारगेट रख सकते हैं, और इस चीज़ को आप पेपर ट्रेडिंग के अंदर यूज़ करिए, या फिर moneybhai.com में आपको डेमो ट्रेडिंग अकाउंट मिलता है, उसमें 1 करोड़ रुपया डेमो ट्रेडिंग के लिए आपको मिलता है, आप उसके अंदर लॉगिन करिए और निफ्टी 50 को ख़रीद लीजिए। निफ्टी 50 नहीं आ रहा तो निफ्टी 50 का ETF ख़रीद लीजिए, निफ्टी 20 के नाम से आएगा, और आप उसको ख़रीद के देखिए कि 10,700 के जाएगा अब। ठीक है, तो बड़ा ही क्लियर कट इंडिकेटर है दोस्तों ये। तो हमने अप ट्रेंड की बात करी थी, थोड़ा सा हम डाउन ट्रेंड की भी देखेंगे। और ये देखिए एक हमें ये मूवमेंट डाउन ट्रेंड का मिलता है, और देखते हैं ये देखिए बड़ा क्लियर ही कट आप देखिए ऊपर की तरफ, आप एवरेज आउट इसको कर सकते हैं ऊपर की तरफ, डाउन की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ आप एवरेज आउट कर सकते हैं, बड़ा ही सिंपल है। और जो लोग स्विंग ट्रेडिंग को कहते थे कि स्विंग ट्रेडिंग हमें बताइए, कोई ऐसा इंडिकेटर बताइए जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा हो, तो ये इंडिकेटर इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल स्विंगली बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है ये। देखिए दोस्तों ये डाउन ट्रेंड आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर हमें ख़रीदना है और कहाँ हमें बेचना है। अगर बीच बीच के ऐसे ऐसे प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो बीच बीच के भी प्रॉफिट लेके आप बाहर आ सकते हैं, आपकी मर्जी है। उम्मीद है आपको इस इंडिकेटर का बड़ा ही अच्छे से समझ आ गया हो गया, क्या कैलकुलेशन है ये भी आपको समझ आ गई, किस तरीके से आपको काम करना है ये भी आपको समझ में आ गया, कहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, वेरियस स्टॉप लॉस के पॉइंट्स हैं, इस लाइन के थोड़ा सा नीचे भी लगा सकते हैं या लोअर बैंड के थोड़ा सा नीचे लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। दो आपको स्टॉप लॉस के आपके वो मिलते हैं, और प्लस ऊपर की तरफ भी आप अपना, अगर डाउन की तरफ खेल रहे हैं तो ये आपके स्टॉप लॉस बन सकते हैं, और बहुत ही अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का ये दोस्तों काम करते हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी और अच्छे से आप इस इंडिकेटर का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो एक बार ज़रूर अपनी ट्रेडिंग के अंदर इस्तेमाल करिए, इसको चेकआउट करिए, इंडिकेटर क्या आपकी उम्मीदों पर खरा उतरता है। और बेसिकली दोस्तों हर इंडिकेटर 50, 60 या 70% एक्यूरेसी देते हैं, 50 से 70% एक्यूरेसी आपको बीच में कभी भी मिल जाती है। मार्केट जितनी ट्रेंडिंग होगी उतना अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी, उतने अच्छे इंडिकेटर्स काम करेंगे। तो अगर आप एक सिस्टम को फॉलो करते हैं तो कोशिश करिए आपका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, एक ट्रेंडिंग स्टॉक, एक हाई वॉल्यूम स्टॉक होना चाहिए, और उसके ऊपर आप जब काम करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि प्रॉफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। सिस्टम पे विश्वास रखिए, और कुछ दिनों तक अगर पेपर ट्रेडिंग आप करते हैं तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, तो उसके बाद आप सिस्टम को नहीं छोड़ेंगे लाइव ट्रेडिंग के अंदर। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी वीडियो को देखने के लिए, जिन लोगों ने भी इसको पूरा देखा है वीडियो को, क्योंकि उनको
सीखने की सीखने का कितना लालच एक जुनून होता है, तो वही लोग वीडियो को पूरा देखते हैं, अदरवाइज आधे बाहर हो जाते हैं बीच में से। तो इतना ही है दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी ही मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक मज़ेदार टॉपिक के साथ, और अच्छे से आपको और अच्छी चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।